उतरने का सपना, करीब 11 साल की मेहनत, 960 करोड़ रुपए खर्च और वैज्ञानिकों की महत्वाकांक्षा वाले देश के अहम मिशन चंद्रयान 2 पर कुछ दिनों के लिए ब्रेक लग गया। सोमवार अहले सुबह 2:51 पर चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग होनी थी, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से इसे फिलहाल के लिए टाल दिया गया। चंद्रयान 2 श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से सोमवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के लिए उड़ान भरने वाला था। भारत ने 384,400 किलोमीटर की यात्रा के लिए चंद्रयान 2 को तैयार करने में 960 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लॉन्चिंग से करीब 56:24 पहले इसरो ने मीडिया सेंटर और विजिटर गैलरी में इस मिशन की लाइव स्क्रीनिंग रोक दी गई। तकनीकी खामी देखते हुए चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग प्रक्रिया रोक दी गई। इस रुकावट से इसरो के वैज्ञानिकों की 11 साल की मेहनत को एक छोटा सा झटका लगा है। हालांकि कमी दूर करके कुछ दिन बाद मिशन लॉन्च किया जाएगा। इसरो के वैज्ञानिकों का ध्यान फिलहाल ये पता लगाने की ओर है कि लॉन्चिंग से पहले ये तकनीकी कमी कहां से आई। लॉन्चिंग टालने के बाद इसरो प्रवक्ता बीआर गुरुप्रसाद ने बताया कि जीएसएलवी MK3 लॉन्च व्हीकल यानी कि जिस रॉकेट से चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया जाना था, उसमें ही खराबी आने की वजह से लॉन्चिंग रोक दी गई। उन्होंने बताया कि लॉन्चिंग की अगली तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। इसरो वैज्ञानिकों द्वारा अंतिम क्षणों में ये तकनीकी कमी खोज लेना बेहद बड़ा कदम है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के मुताबिक इसमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। ये 70 साल के अनुभव का नतीजा है कि तय समय पर खराबी को पकड़ लिया गया, अन्यथा ऐसे रॉकेट और यान का प्रक्षेपण किसी बम से कम नहीं होता है। गड़बड़ी को समय रहते पकड़ना भी बहुत बड़ी बात है। अगर इस कमी के साथ रॉकेट लॉन्च होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। विशेषज्ञों का कहना है कि वैज्ञानिकों ने गलती खोज ली है, ये उनका महारत है। वैज्ञानिक जल्द ही देश को मिशन रोकने की विधिवत जानकारी देंगे। करीब 1 माह का वक्त मिशन को दोबारा लॉन्च करने में लग सकता है। उन्होंने बताया कि यान में अगर ईंधन का लीकेज हो रहा है तो उसे दुरुस्त करना होगा। 1 माह तक यान में ईंधन को भरकर नहीं रखा जा सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसरो ने सही समय पर उपयुक्त फैसला किया है। चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण की नई तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। इसरो ने अभी औपचारिक बयान दिया है, वो जल्द ही विस्तृत बयान जारी कर खराबी के बारे में जानकारी देगा। क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है, इसलिए सरकार की ओर से भी सोमवार को विधिवत बयान देकर देश को मिशन टालने की जानकारी दी जा सकती है। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग पर पूरे देश की नजरें थी और इसके सफल होने के साथ ही भारत के अंतरिक्ष अभियान के इतिहास में एक स्वर्णिम पन्ना जुड़ जाता। इस मिशन के साथ भारत चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का 4th देश हो जाता। हालांकि अब इसके लिए कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। आपको बता दें कि अब तक के सबसे शक्तिशाली लॉन्चिंग यान GSLV Mark 3 M1 रॉकेट के साथ 978 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग होने की स्थिति में इसे चंद्रमा तक पहुंचने में 54 दिन लगते। पिछले हफ्ते लॉन्चिंग से जुड़े पूर्ण अभ्यास के बाद रविवार सुबह 6:51 पर इसके लॉन्चिंग की उल्टी गिनती शुरू हुई थी।